बस्ती जनपद में सरयू नहर का बुरा हाल है। आए दिन सरयू नहर कट जाने से किसानों के खेतों को भारी नुकसान हो रहा है। सरयू नहर में पानी छोड़ने से पहले संबंधित विभाग के अधिकारी इस बात की जांच नहीं कर पा रहे हैं कि कहीं नहर कमजोर तो नहीं है, और आधी अधूरी तैयारी के साथ नहरों में पानी छोड़ दिया जा रहा है, जिस वजह से नहरों के अगल बगल आने वाले गाँव और खेत नहर कटने से बर्बाद हो रहे हैं। ऐसा ही मामला हररिया तहसील क्षेत्र के आधा दर्जन गाँव में देखने को मिला, जब हद से गुजर रही नहर अचानक से कट गई। उसके बाद आसपास के गांव में जमकर तबाही मच गई। किसानों के कई बीघे खेत जलमग्न हो गए, जिससे उनकी मेहनत पानी पानी हो गई। हररिया तहसील क्षेत्र के बढ़नी, तिलकपुर और बट्टूपुर सहित आधा दर्जन गांव में नहर कटने से पानी घुस गया। किसानों का कहना कि 150 से 200 बीघे की फसल बर्बाद हो गई है, जिसमें उन लोगों ने गन्ना और गेहूं की फसल लगाई थी, मगर नहर कटने से उनके खेतों में पानी आ गया और पूरी फसल खराब हो गई। नहर विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि जब नहर में पानी छोड़ना होता है तो सरयू नहर के अधिकारी जगह जगह डैमेज हुए नहर को चेक नहीं करते हैं, जिस वजह से खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। नहर कटने के बाद हररिया तहसील के एसडीएम ने जब सरयू नहर के अधिकारियों को मौके पर तत्काल जाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया, तो घंटों तक पहले तो अधिकारी नहीं पहुंचे, और जब आए भी तो किसानों से ही बोरी मांगने लगे और कहा कि आप लोग बोरी दीजिए तो उसमें मिट्टी भरकर भी इस नहर से निकल रहे पानी को रोकने का कोई प्रयास किया जाए, जिसके बाद किसान आक्रोशित हो गए और शेरू नहर के कर्मचारियों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। फिलहाल किसानों के गुस्से को देखते हुए सरयू नहर के जेई ने कटी नहर को ठीक करने का प्रयास शुरू कर दिया है, जो अभी भी जारी है। किसानों का कहना कि उनकी बर्बाद हुई फसल का जल्द से जल्द मुआवजा मिले, ताकि उनका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। गौरतलब है कि सरयू नहर को जिस मकसद से बनाया गया था, उस मनसापुर बस्ती जिले में पूरी तरीके से पानी फिरता नजर आ रहा है। सौ 150 बीघा जो है खेत जलमग्न हो गया, उसमें जो सब लोग गेहूँ बोए थे, गन्ना था, सरसों था, पूरी फसल को कभी नहर की सफाई नहीं होती है, दो तीन बार हो चुका है। कब कटा? रात को ही कटा है, रात को क्या दोपहर को ही कल कटा है। दोपहर गेहूँ जलमग्न हो गए हैं, और कम से कम 30 से 40 बीघा सरसों जलमग्न हो गए हैं, और गन्ने की फसल जलमग्न हो गए हैं, जिससे बहुत भारी किसानों की क्षति हमारे गांव को हुई है, बढ़नी गांव। ये सबसे हरामी बाय, और बाद में जौन है पूरा जलमग्न हो गया, 100 बीघा ले गेहूँ, और बाद 25-30 बीघा गन्ना सब नहर कट के बर्बाद हुई जबा, और यही सुनत ना ही जब आवत है पैसा मांगत है। आज बुआरा मांगत रहा, कहे बुआरा दे दो गांव वाले तब पटवाई, बुआरा भराई तब पटवाई, अभिन कही सब आप मांगत बुआरा और रुपया मांगत है, यह सब समस्या है। कहना परेशान है मनोज कुमार मिश्रा, राम दुलारे, ग्राम बढ़नी, पुरवा। देखिए, अभी संज्ञान में आया है कि कुछ किसानों द्वारा अपनी सिंचाई के लिए भूल कर दी गई थी, जिसके कारण नहर कट गई है और कुछ किसानों के खेत में जलमग्न की स्थिति हुई है, तो उसको शीघ्र ही सही करवा कर कार्रवाई की जा रही है। अब जो भी किसानों का नुकसान हुआ, क्या इसकी सपोर्ट वगैरह के लिए खास कर सर्वे करवाकर जो भी नियमानुसार प्रावधान होंगे उनके अनुसार कार्रवाई की।